वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के लिए D12 इस्लामाबाद में ये वाला चार मरले के घर लेकर आया हूँ। सिंपल सा है, डिज़ाइनर की जो है ना वो एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, लेकिन ये है कि प्राइस वाइज रीजनेबल है, इतना मैं आप लोगों को कंफर्म कर सकता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप लोग डिज़ाइनर घर देख रहे हो तो आप लोगों को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप लोग D12 में एक घर चाहते हैं जो कि मार्केट रेट से 20 to 30 लाख रुपीज़ या 2-3 मिलियन जो है वो रीजनेबल हो, तो ये घर आप लोगों के लिए। फ्रंट एलिवेशन को मुकम्मल तौर पर रॉक वॉल में डिज़ाइन किया गया। स्ट्रीट वाइज अगर बात करें तो आप लोगों के पास 30 फुट की कारपेटेड स्ट्रीट है, जो कि मेन बुलेवार्ड से मेन मार्केट से डायरेक्टली एक्सेसिबल है। घर में 4 बेडरूम है, टोटल 2 किचन है, 2 TV लाउंज है। घर का फ्रंट एलिवेशन आप लोगों ने देखा, मैं अंदर से आप लोगों को इसके कंप्लीट टूर करवाता हूँ, ताकि आप लोग को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। प्राइस वाइज बात करें तो 4 करोड़ 45 लाख रुपए इसकी टोटल प्राइस है। अच्छा जी, घर के अंदर इंटर होते हैं तो आप लोगों के पास कारपोरेट स्पेस है। फ्लोर पे आप लोगों को टफ टाइल्स देखने को मिल जाता है। अब कारपोरेट स्पेस बाजार तो इसमें गाड़ी नहीं खड़े होने को नजर आती है, लेकिन जो आप लोगों के पास सामने गेट है D12 में, ये बेसिकली नॉर्मल फॉलो होता है कि ये जंगला गेट है, ये खुलता है। जब ये ओपन हो जाता है तो आप लोग के पास एक स्पीशियस साइज आ जाता है कि आप लोग इसमें बड़ी गाड़ी हो छोटी गाड़ी हो आराम से इसमें पार कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास जो स्पेस है इसमें बेसिकली बोरिंग वाटर के लिए आ जाता है। आई होप सो आप लोग को कारपोरेट की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब चलते हैं अपना अंदर का विजिट शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो मैं इस वक्त रूफ टॉप पे मौजूद हूँ। घर के फ्रंट एलिवेशन दिखाने के बाद मैं सीधा इसके छत पर आ गया हूँ। इसका ग्राउंड फ्लोर, इसका फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल रहता है वो देखेंगे, तसल्ली से देखेंगे इंशाल्लाह। छत पे मैं इस वजह से आ गया हूँ क्योंकि अक्सर औकात ये जो घर हैं इनका जो रूफ टॉप होता है वो ज़्यादा मैटर करता है कि वो कितना ओपन और स्पेशियस बनाया गया है। इस तरह के घरों में टेरेस नहीं होता, चार मतलब एक छोटा सा साइज होता है, टेरेस आप लोग उसमें नहीं रख सकते हैं। तो इसके छत पर आना इस वजह से ज़रूरी था कि आप लोग ये देख सकें कि कल कल आपको अगर आप लोग यहाँ पर कुर्सी बैठा कर बैठते हैं तो सराउंडिंग ये किस तरह डेवलपमेंट आप लोग देख सकें। बाकी जो इंशाल्लाह ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा, जब आप लोगों को तसली हो जाएगी देन इंशाल्लाह इंशाल्लाह वीडियो को ऐड करेंगे। करंटली मैं इसके रूफ टॉप पे मौजूद हूँ। अगर आप लोग इसकी फ्लोरिंग देखें तो चिप्स में की गई है। अगेन आप लोग को एक बड़ी सी कंक्रीट में वाटर टैंक देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी बात है। नॉर्मली आजकल घरों में आप लोगों को पता है कि प्लास्टिक के टैंकियों का जो है ना वो ट्रेंड शुरू हो चुका है। अच्छा, अगर डेवलपमेंट की बात करें, ये इसका फ्रंट साइड ऑफ द हाउस है। अगर आप लोग स्ट्रीट देखें, ये स्ट्रीट मेन बुलेवार्ड से डायरेक्टली एक्सेसिबल है और बिल्कुल सामने आप लोग के पास ये शोएब अख्तर का प्लाजा है। D12 मेन मरकज आप लोगों के पास सामने है, यानी कि अगर आप बाई वॉक निकलते हैं तो विद इन अ मिनट आप लोग D12 के मेन मरकज में होते हैं। D12 में मेन मरकज में होने से मुराद ये है कि आप लोग यहाँ पर मस्जिद को भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर पार्क को भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं, कमर्शियल एरिया, ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोग को चाहिए डेली लाइफ की जितनी भी बेसिक नीड्स होती है उसको आप आराम से एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो लोकेशन वाइज अगर इस घर की बात करें काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, डिमांड इसकी 4 करोड़ 45 लाख रुपये जो मैंने आप लोगों को बताई है, क्यों मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी रीजनेबल है। यहाँ पर जो नॉर्मल आस्किंग होती है ना वो 4 करोड़ 70 लाख रुपये यहाँ पर नॉर्मल आस्किंग प्राइस है। फिर आते हैं वो लोग नेगोशिएशन वगैरह करते हैं तो 4.5 से ऊपर ही यहाँ पर डील क्लोज होती है। अच्छा जी, रूफ टॉप पे आने का एक और मकसद ये था, कल को आप लोग यहाँ पर कुर्सियाँ रखते हैं तो आप लोग को मार्गला हिल्स का ये खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है जो कि फॉर एवर रहेगा। इसकी बैक साइड ऑफ द स्ट्रीट है, यहाँ पर एक घर बनेगा लेकिन ये कि बैक साइड की डेवलपमेंट अगर आप लोग देख लें, फ्रंट साइड की अगर आप लोग डेवलपमेंट देखें तो एक पुरआबाद पुरअमन खूबसूरत सोफिस्टिकेटेड इलाके में ये घर बेसिकली बेस्ट करता है। आप लोगों को रूफ टॉप का आई होप सो अच्छा अंदाजा हो गया होगा। अब जो मैं आप लोगों को बेडरूम दिखाने वाला हूँ ये इसके फर्स्ट फ्लोर में, नॉर्मली आप लोग इसको सर्वेंट रूम कहते हैं लेकिन सर्वेंट रूम ही आप लोग इसको कंसिडर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। फ्लोर पे आप लोग को व्हाइट टाइल्स देखने को मिल जाते हैं विद ब्लैक बोर्ड। अगर आप लोग इसको एज अ बेडरूम में क्या ही कहूँ क्योंकि साइज थोड़ा सा इसके कंजेस्टेड है, लेकिन ये कि इसमें सर्वेंट रूम वाला काम भी नहीं किया गया। सर्वेंट रूम्स में अगर आप लोग देखो तो उसके फ्लोर पे टाइल वगैरह नहीं होते, यहाँ पर प्रॉपर टाइल है, डेडिकेटेड विंडो दी गई है। यहाँ पर आप लोगों को जो है ना वो स्लिक से सीलिंग भी देखने को मिल जाती है। सामने आप लोग के पास इस बेडरूम के साथ आप लोग को डेडिकेटेड बाथरूम भी देखने को मिल जाता है। तो मैं इसको 4 मरला घर के साइज के हिसाब से बेडरूम में ही कंसिडर करूंगा क्योंकि 4 मरला के घरों में नॉर्मली आप लोगों को इतने ही बेडरूम देखने को मिलते हैं। अच्छा, अगर आप बाथरूम देखें टॉप नॉच, टॉप टू बॉटम आप लोगों को यहाँ पर टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। इंडियन कमोड है, वेनिटी एरिया है, फ्लोर पे भी आप लोगों को टाइल वर्क देखने को मिल जाता है। तो आप लोग के पास एक जो बेडरूम है वो अपर जो है ना फर्स्ट फ्लोर पे आ गया या सेकंड फ्लोर पे आ गया, सॉरी मम्टी में। अब मैं आप लोगों को इसके फर्स्ट फ्लोर पे लेकर जाऊंगा और फिर हम आहिस्ता करते करते इस तरह से हम जाएंगे इसके ग्राउंड फ्लोर पे। तो मैं आप लोगों को इस तरह का पूरा डिटेल विजिट दूंगा इस घर का इंशाल्लाह। अच्छा जी, अगर लाउंज स्पेस की बात करें तो अपर पोर्शन का जो लाउंज है 4 मरला में एक काफ़ी बड़ा लाउंज है। नॉर्मली जो अच्छा सीलिंग देखें, क्या खूबसूरत सी कमाल की सिंपल सी मैं कहूँगा कि डिसेंट सी सीलिंग की गई है। LED लाइट्स का यूज़ किए गए, वार्म लाइट आप लोग के पूरे सीलिंग में जो है ना वो फॉलो हो रही है। और अगर आप लाउंज की साइज़ की बात करते हैं, मुझे काफ़ी इंप्रेस किया क्योंकि जो स्टेयर्स हैं ये आप लोग देखें तो साइड वाइज ऊपर गई हुई है, ठीक है। तो आप लोग के पास एक बड़ा सा 4 मरला में यकीन करें आप लोग इसको अगर डिज़ाइन करें तो 10 to 15% का यहाँ पर सेटिंग एरिया दिया गया है। मैंने आप लोगों को कहा था कि
यहाँ पर टेरिस स्पेस नहीं होती। अब जो आप लोग को बाहर से टेरिस स्पेस दिख रही है ये बेसिकली स्टैंडिंग है, यानी कि आप लोग यहाँ से खिड़की से खोलकर आप लोग बाहर तो जा सकते हैं लेकिन सिर्फ खड़े ही हो सकते हैं, आप लोग यहाँ पर बैठ नहीं सकते। आई होप सो कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। अच्छा जी, आगे की तरफ मूव करते हैं। दो बेडरूम्स में हमारे पास और एक हमारे पास किचन है। अब मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा सबसे पहले बेडरूम नंबर वन की तरफ। फ्लोर पे आप लोग को टाइल वर्क देखने को मिलेगा और यही व्हाइट टाइल्स की जो फ्लोरिंग है पूरे घर के अंदर हुई हुई है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं बेडरूम का। मैं अगर आप लोगों को कंप्लीट लुक दिखाऊं, आप लोगों के पास सामने टॉल हाइटेड विंडो है जिसके बाहर आप लोगों को जो है ना वो ग्रिल देखने को मिल जाती है, सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया गया। लेफ्ट साइड वाली वॉल पे आप लोगों को जगह जगह ओपन स्पेसेस देखने को मिलते होंगे। इसमें बेसिकली आप लोग अपने डिफरेंट काइंड ऑफ जो पेंटिंग्स होती हैं वो आप लोग इसमें टांग सकते हैं। सीलिंग की बात करूं, अगेन कमाल की खूबसूरत सी सीलिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आप लोग के डोर के पीछे, दरवाजे के पीछे आप लोग के पास वार्डरोब अलमारियों का एक पूरा क्या कहते हैं उसको गोचा दे दिया गया। आप लोग इसमें अपने काफी सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। तो अगर चार मरला के हिसाब से बेडरूम की साइज की बात करूं तो मुझे काफी इंप्रेस किया साइज ने। डेडिकेटेड बाथरूम आप लोग के पास आ जाता है। आप लोग के पास बाथरूम में ये बार बार बताना मेरे लिए जरूरी नहीं है कि इसमें टाइल वर्क ही हुआ होता है। वैनिटी स्पेस अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, छुटकू सी वैनिटी है, आप लोग के पास टाइल वर्क किया गया बाथरूम के ऊपर। अच्छा, आप लोग के पास टाइल वर्क जो है वो कमोड यूज किया गया है, इंग्लिश कमोड है। शावर एरिया आप लोग देख लें और आप लोग के पास एग्जॉस्ट और वेंटिलेटर की जगह आप लोग को यहाँ पर इन्वर्टर दे दिया गया है, तो ये भी काफी अच्छा होता है। आप लोग का जो स्मेल वगैरह होती है वो आराम से जो है ना वो बाहर निकाल देता है। वीडियो से रिलेटेड आप लोग को कोई भी क्यूरी हो आप लोग जो है ना वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पर आप लोगों को नंबर शो हो चुका होगा, या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद और पिंडी में अपना घर सेल आउट करना हो तो आप लोग उसके लिए हमसे व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट एक ब्रीफ सी पिक्चर्स या वीडियो अपने घर की बनाकर हमें व्हाट्सएप पे शेयर करनी है, इंशाल्लाह हमारी टीम में से आप इसे कोई ना कोई रब्ता जरूर करेगा। बेडरूम नंबर टू ऑफ द हाउस, अगर आप मुझसे पूछते हैं ये उतना बड़ा बेडरूम है तो मैं कहूंगा नहीं, उतना बड़ा बेडरूम नहीं है, लेकिन एक डिसेंट साइज का, एक मुताबिक साइज का आप लोग को बेडरूम देखने को मिल जाता है। बेसिक फैसिलिटीज की मैं बात करूं तो आप लोगों के पास लाइटें अगर आप लोग यहां पर जलती हुई दिख रही हैं तो इलेक्ट्रिसिटी की यहां पर फैसिलिटी है। D12 इस्लामाबाद में कमाल की बात है, मजे की बात है कि यहाँ पर पानी वाफर मिकदार में, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है ना पानी की फैसिलिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर आप लोगों से पूछते हैं स्वी गैस, तो हाँ पूरे सेक्टर में आप लोगों को स्वी गैस देखने को मिलेगा, लेकिन इस घरों में वो घर यानी कि जो अभी घर में आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये नया घर बना हुआ है। नए घरों में आजकल आप लोगों को पता है, आजकल नहीं बल्कि पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्वी गैस आप लोग नहीं इंस्टॉल कर सकते। अच्छा, आप लोगों ने दो बेडरूम देखे, मुझे साइज वाइज काफी इंप्रेसिव लगे। लाउंज काफी बड़ा और आप लोगों के पास अपर फ्लोर में एक डेडिकेटेड किचन भी आ जाता है। तो आप लोगों को अगर 4,45,00,000 में ये किचन भी ऊपर का देखने को मिलता है। D12 में नॉर्मली ट्रेंड पता है क्या चलता है कि अपर फ्लोर में दो बेडरूम बना देते हैं, इसको खाली रख देते हैं ताकि लोग स्टोर बना लें, और अगर किचन बनाना चाहें तो वो फिर अपने खर्चे पे जो है ना वो किचन बनाए, तो नॉर्मली ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है। तो आप लोगों के पास एक किचन आ गया, ये बिग साइड की ओपन स्पेस है, वेंटिलेशन के लिए भी यूज होती है, सनलाइट भी यहाँ से पास हो रही है, सोसाइटी के बायलॉज के मुताबिक छोड़नी पड़ती है। एक आध कैबिनेट में अगर आप लोग को खोल कर दिखाऊँ ताकि आप लोग को इसकी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। आई होप सो आप लोग वीडियो वॉच आउट कर रहे होंगे। हमारा फर्स्ट फ्लोर क्लियर हो चुका है, अब हम चलते हैं अपने ग्राउंड फ्लोर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर में मैं आ गया हूँ और ग्राउंड फ्लोर के मेन एंट्रेंस से यानी कि मैं अगर बताऊँ कारपोरश हो रहा, कारपोरश के बाद जब आप लोग इंटर होते हैं तो आप लोग को बेसिकली ये लाउंज स्पेस देखने को मिलती है, एक डिसेंट सी लाउंज स्पेस देखने को मिलती है। आप लोग के पास अंदर से ही स्टेयर्स कनेक्ट कर रहे हैं और आप लोग के पास लाउंज की खूबसूरत सी वुड के टेक्सचर में सीलिंग आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ये वो मेन ग्रैंड एंट्रेंस है जिसके थ्रू हम घर के अंदर एंटर होते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ की अकोमोडेशन समझाऊँ, बिल्कुल सेम अकोमोडेशन है ये, और ये बेडरूम स्पेस है और ये आप लोग के पास किचन है, लेकिन इसको मैं बेडरूम नहीं लूंगा। इसको मैं बेडरूम इसलिए नहीं लूंगा कि एक ड्राइंग रूम है, बैठक है, आप लोग का मेहमान वगैरह आ जाता है, यहाँ पर मंजे भी पड़ी हुई है, तो आप लोग यहाँ पर मेहमानों को आराम से एंटरटेन कर सकते हैं। आप लोग के पास एक वाइट साइज में स्पेस दे दी गई है, मोल्डिंग वर्क कर दिया गया दीवारों पर, अगर आप लोग इसमें पेंडिंग वगैरह टांग देते हो तो यकीन करें आप लोग को और अट्रैक्टिव लुक मिलेगा। अच्छा, ड्राइंग रूम की बैठक की एक डेडिकेटेड स्पेस भी है कारपोरेट से, तो कारपोरेट से डायरेक्टली आपका मेहमान ड्राइंग रूम के अंदर आ सकता है। ड्राइंग रूम के साथ ही आप लोग को बाथरूम भी देखने को मिल जाता है, डिटेल में ये कॉमन है, ये नॉर्मल है। अगर ओवरऑल बात करें इस घर के अंदर इस वाले ड्राइंग रूम को हटाकर, तो 4 बेडरूम्स हैं, 1 ड्राइंग रूम है, 2 किचन है, 2 TV लाउंज है, और कारपोरेट में आप लोगों को दिखा देता हूँ, कारपोरेट में आप लोगों के पास 2 गाड़ियों की कार पार्किंग स्पेस आ जाती है। अच्छा जी, बिल्कुल इसी तरह का आप लोगों को किचन देखने को मिल जाता है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ दिखाने को ही नहीं, तो मैं आप लोग वन टाइम वन शॉट में दिखा रहा हूँ। आप लोग को वीडियो का कोई भी पार्ट क्लिक किया हो तो आप लोग जो है ना उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई गिला शेक व कोई सजेशन अगर आप लोग देना चाहें तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आप लोग उस सजेशन को फॉलो करूँ। प्लीज कमेंट सेक्शन में वो जो मुझे सजेशन दे सकते हैं आप लोग। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अपना घर सेल आउट करना हो अगेन, तो आप लोग उसके लिए मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। किचन अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, ड्राइंग रूम में आप लोगों को दिखा चुका हूँ, बेडरूम भी बिल्कुल सेम ही है,
वो बाथरूम भी उसी तरह है, तो मैं आप लोगों को बेडरूम के बाथरूम या इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा ताकि आप लोगों का टाइम बचे। तो आई होप सो आप लोगों ने वीडियो वॉच आउट की होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।